अब बच्चों प्रश्न नंबर तीन स्पेशल क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत काम आएगा। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम आयु को हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। इस सिद्धांत पर आधारित प्रश्न नंबर तीन है बच्चों, तो प्रस्तुत है लीजिए क्वेश्चन नंबर तीन। सभी संभव कुल 3 × 3 × 3 कोटि ऑर्डर का क्रम का के आयुओं मैट्रिसेस की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अवयव ए स्मॉल ए और स्मॉल बी शामिल है। तो हमें इस प्रश्न में आयुओं की संख्या का निर्धारण करना है कि कितने आयु होंगे जिसमें दो एलिमेंट ए और बी शामिल है, और उन मैट्रिक्स की संख्या को इस प्रश्न पूछा जा रहा है जिसकी कोटि तीन है। बच्चों अब हम और नए कंसेप्ट पर, हर जो कंसेप्ट आपको बताए हैं उस पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि सभी संभव कुल 3 × 3 कोटि के क्रम के आयु की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अवयव ए और बी का इस्तेमाल हुआ हो। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है वो आयु का और जो ऑर्डर है कोटि है वो उसने प्रश्न ने कही है वो है 3 × 3 कोटि का आयु है, और जो अवयव इस्तेमाल किए जाएंगे 3 × 3 कोटि की आयु होंगे उनकी संख्या हमें ज्ञात करना है वो कितने हो सकते हैं, और जो अवयव इस्तेमाल किए जाएंगे उसमें वो अवयव होंगे ए और बी। तो अवयवों की जो संख्या है आप देख रहे हैं एक और दो है। तो अवयवों की संख्या इस प्रश्न में देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं अवयवों की संख्या आपको स्पष्ट दिख रही है दो। तो कंसेप्ट ये कहता है कि यदि मैं रूल ये है कि n × n कोटि के आयुओं की आयुओं मैंने मैट्रिसेस की संख्या जिसमें यदि मैं अवयव जैसे इसमें ए भी है तो इसमें मैं x1 x2 ऐसा करते करते xm एलिमेंट्स अवयवों की संख्या है, जैसे इसमें दो है ना तो इसमें m है, m अवयवों की संख्या है, तो आयु की जो संख्या है वो होगी m की पावर n × n। ये रूल नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं ओरली फिर से आपको समझा देता हूँ, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जेई जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो n इंटू n कोटि के सभी संभव आयुओं की संख्या जिसमें m एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है, तो एलिमेंट्स की संख्या m है, और जिन आयुओं को बनाना है उनका जो ऑर्डर है वो n × n है, तो n × n पावर में जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि अवयव की संख्या दो है, तो सभी संभव अवयवों, इसको हम कहें मैट्रिसेस इंग्लिश में, की संख्या कितनी होगी, बराबर होगी, अवयव की संख्या दो है और उसका पावर कितना है, उसकी ऑर्डर कितना है 3 × 3, ऑर्डर पावर में जाएगा बच्चों ध्यान रखेंगे, यानी 2:9 होगा। ये दो कहां से आया, तो जहां आप लिख सकते हैं जहां अवयवों की संख्या दो है जो ए और बी है, और क्लियर कर दो ए और बी अवयव है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सी और डी भी हो सकते हैं,
मुझे उसके संख्या से मतलब है, उसकी संख्या दो है। अब ये बात बड़ी मुश्किल है कि सर ये तो रटने वाली बात हो गई, इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाए। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताऊंगा कि मान लीजिए मुझे 2×1 कोटि ऑर्डर, कोटि के आयु की संख्या जानना है, आयु की संख्या जानना है जिसमें तीन एलिमेंट्स उपयोग में लाए गए हों, मान लो ए बी और सी, जैसे इसमें दो था, तो स्वाभाविक रूप से आयु की संख्या मेरे हिसाब से आयु की संख्या तीन हुई, तो 3 की पावर और कोटि कितनी है 2×1 है, तो निश्चित रूप से 3:2 यानी 3×3, तो आयु की संख्या 9 होगी। ये फिर तो जादू जैसा लग रहा है। तो 2×1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा जिसमें ए बी सी एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ होगा, वो मैट्रिक्स कैसे पॉसिबल है? कोई आदमी ए का उपयोग कर ले, मान लो ये 2×1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मान लो किसी ने बोला नहीं सर ए नहीं बी यूज किया जाए, तो बी भी, ये भी 2×1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सी इस्तेमाल करे तो सी एलिमेंट होगा, ये भी 2×1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई बोले नहीं सर 2 एलिमेंट का उपयोग करो ए और बी, कोई बोले नहीं सर इसको बी ऊपर करो ए नीचे करो, कोई बोले नहीं सर बी और सी का इस्तेमाल करो, तो बी और सी, बी नहीं बोले सी ऊपर तो सी बी, बोले नहीं सर सी और ए का इस्तेमाल करो तो सी ऊपर ए नीचे, और नहीं सर ए ऊपर कर दो ए सी। अब जो सभी संभव प्रश्न कह रहा है, सभी संभव पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन विच द एलिमेंट्स यूज ए एंड बी एंड सी, तो हाउ मच मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 9, कैसे गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब 2 की घात 9 में बताओ सर, तो 2 की 9 541 मैट्रिसेस कैसे मैं बताऊंगा आपको, 546 मैट्रिसेस कैसे बताऊंगा? खत्म करो सर। तो ये जो आप देख रहे हैं कि एग्जांपल के जरिए मैंने, ये प्रश्न में जरूरत नहीं है आपको, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स की संख्या 9 कैसी हुई, और वो मैट्रिक्स, वो मैट्रिसेस ए ए है, बी बी है, सी सी है, ए बी है, बी ए है, बी सी है, सी है, सी बी है, सी ए है, ए सी है, ऐसे इनकी संख्या 9 है। प्रश्न नंबर 4 सहखंडज से के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, कि हम सहखंडज या ज्वाइंट ऑफ ए पढ़ते हैं इसको। तो लीजिए प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए बराबर 1, 2, -3, 4 है, ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू 1, 2, -3, 4 है, तो एडज्वाइंट ऑफ ए, ए डी जे ए लिखते हैं इसको, ज्ञात कर सिद्ध कीजिए कि इन ब्रैकेट एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई यहाँ 2 ऑर्डर का 2 कोटि का यूनिट मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट ए सब मैट्रिक्स ए का सारणिक है। बच्चों आपको जो अगला प्रश्न हम प्रश्न नंबर 4 करने जा रहे हैं वो काफी बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपकी वार्षिक परीक्षा में जा सामान्यतः पूछा जाता है। ये एडज्वाइंट यानी सहखंडज पर आधारित सवाल है, और सहखंडज का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आप बोर्ड पर ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, उसको हम ध्यान से देख लें, नंबर में गलती ना करें, 1, 2, -3, 4, और
आपको एडजॉइंट ऑफ ए, सहखंडज, ए का सहखंडज प्रश्न में पूछ रहा है, इसको एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। और इसकी सहायता से आपको यह भी सिद्ध करने बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का यदि मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई होगा। ये जो आई है ये आई टू दो ऑर्डर का वर्ग आई यू है, क्योंकि इक्वेशन जो दिया गया है मैट्रिक्स वो टू इंटू टू ऑर्डर का है, ये जो मैट्रिक्स है वो टू इंटू टू ऑर्डर का है। तो आई एक इकाई आई यू है, जो आपको मालूम है कि वो आई इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। आपको ये भी मालूम है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो एक होता है। खैर इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, फिलहाल हम एडजॉइंट ऑफ ए पर ध्यान दें, क्योंकि प्रश्न में पहली बात हमको ये पूछ रहा है। आपको ये मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो है C11, C12, C21 और C22 का परिवर्त आयु ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए यदि इसको सिंप्लीफाई करें हम तो जो रो है, पंक्ति है, वो कॉलम में बदल जाएगी। यानी C11, C12, C21, C22 होगा। ये इक्वेशन नंबर हम टू कह दें। अब आपके आपको ये लग रहा होगा कि C11, C12, C121, C22 क्या है सर? तो वास्तव में जो मैट्रिक्स दिया है, दिए गए मैट्रिक्स में चार अवयव है। एक ये जहां हम लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, जहां एक दो माइनस तीन चार जो मैट्रिक्स एक के एलिमेंट्स हैं के सहखंड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोफैक्टर्स क्रमशः एक का क्या है C11, दो का क्या है C12, ऋण तीन का क्या है C21 और चार का कोफैक्टर क्या है C22। इनकी वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट को तो ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, 1, 2, -3, 4 की जो कोफैक्टर्स है इससे जो डिटरमिनेंट बना उसकी कोफैक्टर्स है C11, C12, C21, C22। इस पर विशेष ध्यान दीजिए बच्चों, C11 का 1 का कोफैक्टर C11 है। तो अब C11 कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए -1 की पावर 1 और 1 2। और यहाँ बाजू में मैंने लिखा ही है, तो इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओगे तो आपको 4 नजर आएगा, तो इनमें 4 आएगा। C12 ये 1 और 2 3, तो -1 की पावर 3। C12 का मतलब फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, R1 है, ये R2 है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छुपाएंगे तो -3 हमें नजर आ रहा है, तो -3। हम C21 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 और 1 3 अभी भी -1 की पावर 3 होगी, तो सेकंड रो को हम छुपाएंगे और फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो हमें 2 नजर आ रहा है, तो (2) और C22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे तो हमें 1 नजर आ रहा है, तो -1 की पावर अभी भी 2, 2, 4 और यहां 1 आएगा। आपको दिख रहा है -1 की पावर 2 है तो धन में आएगा 4,
माइनस वन की पावर तीन है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव थ्री आएगा, माइनस वन की पावर तीन है तो नेगेटिव आएगा तो माइनस वन का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो माइनस टू आएगा, माइनस वन की पावर चार है तो वो प्लस वन आएगा, प्लस वन का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। इन कोफैक्टर्स की वैल्यू, संगत वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू में रखेंगे। तो समीकरण नंबर दो से हम कैलकुलेशन करें और इन वैल्यूज को हम उसमें रख दें यथावत, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या दिख रही है, C11, C12, C21, C22। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट हो रहा है बच्चों, C11 की वैल्यू है 4, ये देखिए 4, C12 की वैल्यू 3, यथावत वैल्यू रखना है, निश्चित जगह पर रखना है। C21 की वैल्यू है -2 और C22 की वैल्यू है, ये देखिए -2 और C22 की वैल्यू है 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल गया, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा। जेई जैसी एग्जाम में हमें इसका ध्यान रखना होता है टाइम मैनेजमेंट का, तो इसका शॉर्टकट में आइडिया आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने और देखें। ए मैट्रिक्स हमें दिया है समीकरण नंबर 1 में, रो वाइज बोलो तो 1, 2 और -3, 4। इसका डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये इतना सारा कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो आप क्या करें, इसको इंटरचेंज कर दें, 4 को 1 के जगह, 1 को 4 के जगह, ये देखिए कर दिया मैंने इंटरचेंज, 4 और 1 को रिप्लेस कर दिया उनकी पोजीशन में डायगोनली, और जो सेकंड डायगोनल है मुख्य विकर्ण को हमने इंटरचेंज किया, और जो बाकी शेष एलिमेंट को नेगेटिव का पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव का नेगेटिव कर देंगे। ये देखिए एज इट इज समीकरण नंबर 3 से बिल्कुल मिलता जुलता दिख रहा है। पुनः ध्यान दें, 4 और 1 को इंटरचेंज कर दें, 3 को जो ऋण 3 है, एक ही वैल्यू कितनी है, ऋण 3 है और 2 है, तो ऋण का हो जाएगा, एक ही वैल्यू ऋण 3 है 2 है, इसको 3 धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। इस तरह से आपको डायरेक्ट बिना कोफैक्टर्स ज्ञात किए डायरेक्ट एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों को आपको निश्चित रूप से इसमें मजा आया होगा, ये शॉर्टकट को भी आप ध्यान रखेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको रीचेक कर सकें। बच्चों आप देखिए ध्यान से कि दूसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन में शेष है, वो है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए से करने पर हमें डिटरमिनेंट ए मिलना चाहिए और आई मिलना चाहिए। हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है, शॉर्टकट में भी बताया आपको, मैंने समीकरण नंबर 3 से भी बताया। तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड ले ले इसका, इस प्रश्न का यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, तो आपको निश्चित रूप से दिख रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बच्चों, तो थोड़ा देखे 3 से या यहां 4 ऋण 2 3 और 1, ये है समीकरण नंबर 3 से मैंने चेक करके लिखा ध्यान से। और ए समीकरण नंबर 1 से जो एक्चुअल मैट्रिक्स है, आयु है वो है 1, 2 ऋण 3, 4। इन दोनों आयु का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है आपको, इसके रो वाले एलिमेंट को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 4 एकम 4 और 3 दुनी 6,
छह, ऋण ऋण धन हो गया तो छह कह रहा हूं मैं डायरेक्ट, चार दुनी आठ और चार दुनी आठ ऋण आठ। रो का हम कॉलम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन ध्यान रखिएगा, और फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन एकम तीन, ध्यान देंगे तीन एकम तीन, ऋण तीन, तीन एकम तीन ऋण तीन। इसके सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, तीन दुनी छह और चार एकम चार। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का जो टू इंटू टू ऑर्डर का है, ये भी टू इंटू टू ऑर्डर का है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दो है और सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या दो है, इसको एलिमिनेट करके टू इंटू टू ऑर्डर का फिर से हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो हमें जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो चार छह दस है, आठ में से आठ गया शून्य है, तीन में से तीन गया शून्य और छह चार दस। अब मैंने बताया कि इसमें समस्त एलिमेंट में दस कॉमन दिख रहा है, तो दस आप कॉमन निकाल दीजिए तो अंदर आपको वन जीरो जीरो वन मिल रहा है। ये जो दस है वो कॉमन कैसे मिल रहा है, फिर से आप गुणा करके देखें, दस एकम दस, दस का जीरो से गुणा करेंगे जीरो, जीरो से गुणा करेंगे दस जीरो और दस एकम दस, वापस हमको ये फिर से मिल जाएगा, इसलिए मैंने दस कॉमन निकाल दिया। अब आप डिटरमिनेंट ए साइड में निकाल कर देखें, डिटरमिनेंट ए क्या होगा, दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सारणिक किस प्रकार से होगा, एक दो ऋण तीन और चार, और हिंदी का चार बनाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो चार एकम चार माइनस, रूल है माइनस, तीन दूनी छह ऋण छह, ऋण धन चार धन छह यानी दस। तो हमको डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू मिल गई है वो है दस, और ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिला जिसको मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के रूप में कह रहा हूं, और इसको हम समीकरण नंबर मान लीजिए हम इसको चार कह दें और इसको पांच कह दें, तो चार और पांच से हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू दस। किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है, और ये जो मैट्रिक्स है 1001 वो आई है। तो ये रिजल्ट जो वो प्रश्न में मांग रहा है वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई मिल रहा है। बच्चों इसका काफी उपयोग है, आप उल्टा भी करके देखेंगे, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं कि आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी डिटरमिनेंट ए इंटू आई ही मिलेगा। तो बच्चों निश्चित रूप से आपको मजा आया होगा। यदि किसी प्रश्न में ध्यान देंगे बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, कि मान लीजिए ऐसा प्रश्न दे दे जिसमें ए कह दे और आपको डायरेक्ट पूछे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना, तो आप सीधे डिटरमिनेंट ए इंटू आई कर देना, तो आपको ये इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जेई जैसी एग्जाम के लिए आपको शॉर्टकट आइडिया बताया है, ये टू इंटू टू ऑर्डर में ही हम ऐसी पॉसिबिलिटी समझते हैं कि हम डायरेक्ट शॉर्टकट बता सकते हैं कि मुख्य विकर्ण एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए चार और एक को, और शेष अवयव माइनस तीन तीन और दो को के साइन को चेंज कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा। दो तरीके हैं, और मैंने दूसरा आपको यही प्लान बताया कि यदि एग्जाम में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डायरेक्ट पूछता है तो आप केवल डिटरमिनेंट ए निकालिए, बहुत आसान है। डिटरमिनेंट ए हिंदी का चार एकम चार, ऋण तीन दूनी छह ऋण छह, ऋण ऋण धन धन छह हुआ चार और छह दस,
द डिटरमिनेंट ए सारणिक ए का मान 10 है, सारणिक ए का मान 10 है, तो 10 के स्थान पर मैंने सारणिक ए लिखा है, डिटरमिनेंट ए लिखा है, इनटू आई लिखा है, ये आई है जो वैल्यू ये है, ये दो दो इंटू दो ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है।